अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे और कहाँ तक पहुंच गए थे हम देखिए, सिलेबस तक हो गया था। एक तो आज हम डिफरेंशिएशन कराएंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एंड लॉग फंक्शन। ठीक है भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आवाज आ रही है भाई प्रॉपर? कई बार मैं माइक ही ऑफ कर दूं। कैसे करूं बेटा इसी को? देखो सबसे पहले तो आपका जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो e रेज की पावर x होता है। ये होता 1 by x by 1 फैक्टोरियल, x² by 2 फैक्टोरियल, x³ by 3 फैक्टोरियल, x⁴ by 4 फैक्टोरियल, x⁵ by 5 फैक्टोरियल और समथिंग दैट। ये e रेज टू पावर x एक्सपोनेंशियल। साथ तक काफी दिखा के जाएगा, जो काम किया है नहीं किया है तो वापस घर जाकर और ला के जब दिखाए। और उसके बाद x की जगह अगर 1 रख दे बेटा तो 1 by 1 फैक्टोरियल, 1 by 2 फैक्टोरियल, 1 by 3 फैक्टोरियल, 1 by 4 फैक्टोरियल, 1 by 5 फैक्टोरियल और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 2.718। ये वैल्यू होती है किसकी बराबर? e की पावर, जब भी e कहेंगे। ठीक है, हाँ e की वैल्यू। स्क्रीन साफ नहीं है सर। साफ नहीं आ रही है, क्या दिक्कत हो सकती है? नेट मेरा नहीं चल रहा, उनका नहीं, मेरा तो नाट सही चल रहा है, लेकिन नेट चेंज करके देखो। अरे बाकियों को भी दिक्कत है क्या? काजल, राजा, सुमित, गौरव का क्या काम? ये आज फिर गायब है यार। क्या हो गया? मौज में है? ठीक है भाई, e की x का पता है, e की पावर 1 की वैल्यू होगी। अरे आ रही है स्क्रीन? सही नहीं आ रही। ठीक है सर। अच्छा देखो, उसके बाद अब सबसे पहले हमारे पास, सबसे पहले आपका e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x ही होता है। ठीक है भाई, उसके बाद बेटा सर, हाँ जी सर, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है बेटा, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है और माइनस n फैक्टोरियल की वैल्यू इंफिनिटी होती है और 1 by -n फैक्टोरियल इसकी वैल्यू 0 होती है। 1 by -n फैक्टोरियल की वैल्यू 0 होती है। देखो बेटा इसके बाद क्या है, अगर e की पावर में कोई फंक्शन है e रेज टू पावर एफ एक्स है तो डेरिवेटिव होगा एज इट इज इनटू पावर का डेरिवेटिव।
एज इट इज इनटू पावर का डेरिवेटिव, एज इट इज इनटू पावर का डेरिवेटिव। एग्जांपल के तौर पर अगर ई रेज टू पावर साइन एक्स का आपको डेरिवेटिव करना है तो क्या आएगा बेटा, एज इट इज इनटू पावर का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव। साइन का डेरिवेटिव कोस, तो मुझे लगता है ई का नियम क्लियर कर दिया, ठीक है। ई एक्स एक स्टैंडर्ड फंक्शन है जो आपको याद होना चाहिए, हो गया नोट भाई। कौन सा ई की पावर वन, अभी वही बैठता है अभी याद है। अच्छा थोड़ा जल्दी आ गया है क्या, बेटा सिलेबस बहुत पड़ा है तुम्हारा, अगर ये हाफ ईयरली करेंगे तो सिलेबस एक बार कंप्लीट करके ऑब्जेक्टिव की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल जरूरी नहीं है, इसमें सब कुछ आता है एलिमेंट्स। आप अगर एलिमेंट्स को ढंग से कर लेते हो तो आप गौर से देखना एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पल, ठीक है। इस रेफरेंस बुक में सभी में एनसीईआरटी एग्जाम्पल आपके सारे एग्जाम्पल के रूप में देखना, आप एग्जाम्पल उठा कर देखना एनसीईआरटी एग्जाम्पल। मतलब ठीक है भाई, एनसीईआरटी की एग्जाम्पल जो बुक है ना वो अच्छी बुक है। इनको ये चाहिए था बजाय इसके कि चार बुक बनानी थी ना, एक बुक अच्छी बना देते नहीं, एक ही बनाते यार, उसी के अंदर बच्चा रूटीन में एग्जाम्पल पढ़ता कौन, पढ़ाता कौन इसको। आप देखिए बेटा एक फंक्शन हमारा होता है ए रेज टू पावर एक्स, ए रेज टू पावर एक्स, ए रेज टू पावर का मतलब ई की एक्स एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, ई के अलावा कोई भी कॉन्स्टेंट की पावर एक्स है, तो कैसे करेंगे, ये आ जाएगा आपका ए रेज टू पावर एक्स है इट इज लॉग ए, और बेटा बेस में ई होता है, अगर लॉग का बेस ना लिखूं तो बेस में ई होता है, ठीक है। लॉग फंक्शन दोबारा रिपीट नहीं करूंगा क्या होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको टेन रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा, एज इट इज लॉग 10 और बेस में ई होता है, ई आपको अभी बताया 2.718 समथिंग, क्लियर। और देखो अगर इसके साथ साथ कोई फंक्शन भी आपका होता, जैसे माने 10 रेज टू पावर 10 इनवर्स एक्स होता, तो पहले तो एज इट इज लॉग 10 इंटू डेरिवेटिव हो पावर का, इंटू डेरिवेटिव हो पावर का, पावर का डेरिवेटिव क्या बनेगा बताइए, एज इट इज आपका जो रहेगा लॉग 10 एज ए कॉन्स्टेंट के बाहर पड़ा रहेगा टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, बताओ समझ आया या नहीं आया। क्योंकि जो टेबल है वो लोग बेस 10 की होती है यार, ना आ जाता ठीक दिख रहा चल जाएगा, ठीक है भाई।
क्लियर है सर बेटा? अब देखिए बेटा उसके बाद नोट हो गया सभी का। आगे देखो ए रेज टू पावर का हो गया, तुम लोग करो थ्री की पावर साइन एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर क्या बनेगा बेटा? ए रेज टू पावर, ए रेज टू पावर है थ्री रेज टू पावर एज इट इज लोगे ठीक है, लोग तो लगाना ही सोच लो, अगर ई के अलावा कुछ और है ए रेज टू पावर एक्स इंटू डेरिवेटिव साइन एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर थ्री साइन एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर लोग थ्री बेटा साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स और फोर एक्स रेज टू पावर इन्हें सारा है समझ में? यस सर। जहां नहीं आए वहां टोक सकते हो तुम लोग कि सर ये क्या है हमें दोबारा बता दो, तुम्हारी आवाज मेरे तक पहुंच जाती है। भाई साथ साथ जो आज की क्लास है इसका वीडियो डेट वाइज आपके यहां मैं डाल रहा हूं, टॉपिक डेट वाइज ठीक है ना? अब देखिए बेटा, अब लोग फंक्शन की बारी आ रही है। लोग हमने बताया था आपको, एक मिनट में रिपीट करूंगा मैं। देखिए लोग आपका फंक्शन है ठीक है, इसकी क्या है अगर आप 2 रेज टू पावर 5 इसका 232 लोगे तो इसको लोग में हम लिखते हैं 32 बेस में 2 इसका 25। अगर 10 रेज टू पावर 4 इसका 10,000 लिखते हो तो इसको लोग में लिखो बेटा लोग 10,000 बेस में 10 इज इक्वल टू 4। क्लियर है लोग कहां से है? अब बेटा जो एक्स वो होते हैं हमारे जो है पावर वाले 2 रेस टू पावर 5 इसके 232 है तो इसको लोग में लिखेंगे लोग ये 32 ये 2 बेस में रहेगा जो पावर है इक्वल टू में आ जाती है ठीक है। अब जैसे 10 की पावर 4 इसका 10,000 है तो लोग 10,000 ये 10 जो है ये बेस में आ गया, बेस की पावर थी ना और पावर इक्वल टू में आ गया ठीक है। लोग की प्रॉपर्टीज है आपके पास, क्या क्या प्रॉपर्टीज है बताई थी हमने, लोग mn लोग m प्लस लोग n, देखो जितना ज्यादा क्वेश्चन खुद करोगे ना उतना समझ में आएगा, लोग m बाई n लोग एन माइनस लोग एन लोग एम की पावर एन एम रेज की पावर एन एन लोग एन। देखिए इनके बेस में कुछ जरूर होता है ठीक है, बेस एरिटी चलता है प्रॉपर्टी के अंदर, बेस में कोई फर्क नहीं आता, एक बेस चेंज फार्मूला है बेटा लोग ए बेस बी इज कट टू, अगर आपको बेस चेंज करना हो क्योंकि बेस ई लाना होता है हमें ज्यादातर डिफरेंशिएशन में हमारा बेस ई का होता है तो लोग बी अपॉन लोग ए, लोग बी अपॉन लोग ए, लोग बी अपॉन लोग ए ठीक है, हो गया क्लियर है? एक प्रॉपर्टी और है बेटा आपकी कि लोग ए बेस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन लोग जो बेस में है वो नीचे चला गया, नीचे वाला ऊपर आ गया, चेंज हो गया इंटरचेंज हो गया बी और ए की पोजीशन ठीक है। अब हम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे लोग के डिफरेंशिएशन,
रोग का डिफरेंशिएशन बेटा मैं बेस ई की बात कर रहा हूं, जब भी मैं डिफरेंशिएशन का कोई फार्मूला दूंगा तो बेस ई के साथ दूंगा, ई जो मैं आपको बता चुका। तो लोग का डेरिवेटिव होता है बेटा 1/x, लोग का डेरिवेटिव होता है 1/x, और अगर लोग के अंदर कोई फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा 1/x। लोग का अगर कोई भी डेरिवेटिव है तो ये 1/x, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आपका लोग साइन एक्स है बेटा, मैं बेस ना लगाऊं तो समझ जाओ बेस ई की बात कर रहा हूं, मैं बार बार लिखूंगा नहीं बेस, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स यहां लिखना रह गया, लोग एफ एक्स का 1/fx इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। अब जैसे साइन एक्स का करना है लोग साइन एक्स का, तो कैसे करोगे बेटा, पहले लोग का इंटू डेरिवेटिव ओ साइन एक्स, ये 1/√ साइन एक्स बेटा साइन एक्स का cos x, क्लियर है सर, आया समझ नहीं आया, क्लियर, कहा तक ये नहीं है सबका समझ नहीं आ रहा, समझाने में कसर नहीं छोड़ते, तुम काम नहीं करोगे तो नहीं आएगा, आप साथ साथ काम करोगे समझ आएगा, ऊपर वाला नहीं दिख रहा, थोड़ा नीचे करो, अब दिख गया, ये तो सबका बोर्ड नहीं दिख रहा है, तो चिंता नहीं है, आ गया भाई समझ नहीं आ रहा, क्लियर है, अब मेरे को बुक दे दो, हर एक का एक एक तो पार्ट कराऊंगा, सारे नहीं कराऊंगा, ये बहुत बुरी आदत है कि मैं सारे क्वेश्चन करा दूं आप कुछ नहीं करूं, बुक दे दो मेरे को, देखो भाई मैं एलिमेंट्स कराता हूं तो ये मत सोचो कि मेरा कोई विशेष मकसद है, एलिमेंट्स में क्या है कि आपका ऑलमोस्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि टारगेट आप, अब अगर ये कोरोना का पीरियड भी बता रहा जेई के इनके एग्जाम के साथ डीटी में दिल्ली में भी एडमिशन में सभी में टेस्ट होगा, तो स्वाभाविक है कि कागज की कश्ती नहीं चलेगी, है बहन जी, सिर्फ एक तो ये ना याद करके कूलर को चालू करना, ठीक है, चाहिए मुद्दा भी चला रही है ना, तो कम से कम देंगे ट्वेल्थ का एनसीआरटी रूल की स्कूल बता दे देती है भाई, सिर्फ वास्तव में बहुत ना दे आया, दिया ही नहीं है, भूल जाता है, यार इसमें दूसरी बुक नहीं है क्या, इसमें चार पेज वो चीज पे ये दूसरी बुक कार्ड ना क्यों सर, मेरे को कार्ड नहीं है क्या भाई, ये तुम्हारे जैसे बच्चों के काम आएगी, देखिए हमारे पास ये एक्सरसाइज 7.4 है, फोटो इसकी भेज रखी है, नहीं तो डिमांड करोगे तो आ जाएगी, पहले का पहला पार्ट है बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, तो क्या रूल है, एज इट इज इनटू पावर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, ठीक है, तीसरा पार्ट बेटा मेरे पास है, सेकंड में नहीं कराऊंगा, लोग सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव करना है, लोग सीकेंट एक्स का क्या होगा बेटा, लोग का तो 1/√ होल इंटू सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव, ये आपका 10x आ जाएगा, उसके बाद आपको करना है ए रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स का, बेटा 50% क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा, ठीक है, अगले दिन आकर चाहे सारे पूछ लो, एज इट इज देखो डेली काम करोगे ना समझ में आएगा,
बेटा a रेज टू पावर x का क्या होता है, a रेज टू पावर x लोगे, जब मैं लोग लिखता हूं तो समझ जाओ बेस c की बात कर रहा हूं, इनटू डेरिवेटिव हो साइन इनवर्स x, एड इट इज लोग a और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव है, अरे आ रहा है समझ? यस सर। अभी तो क्या नोट ही नहीं कर पाए हो तो सार तो कितना स्लो चलता है रहते। लेकिन इसके बाद हमारे पास मैं वाई ले रहा हूं बेटा फंक्शन को, जिसका करना हो उसको मैं वाई ले लेता हूं, ये आपके पास है 2 7 2x, देखो बेस में 7 है, अगर बेस में आपके ई नहीं है तो आपको चेंज करना पड़ेगा, अगर बेस में ई नहीं है तो आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है भाई करो चेंज, पहले बेस चेंज करोगे, ऊपर बेटा लोग 2x बेस में ई हो गया, नीचे लोग 7 बेस में ई हो गया, क्लियर है बेस चेंज फार्मूला से। उसके बाद ये आपका कॉन्स्टेंट है, अगर ऊपर जाएगा बेटा ये ई बेस 7 है तो ये अगर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, बेटा लास्ट प्रॉपर्टी अभी जो बताई थी सर, आप इतना मैं एक लाइन में करता हूँ इसको,